मादे की तेजाबियत की वजह से काफी परेशानी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से अच्छी खासी जिंदगी अजाब लगने लगती है। कुछ लोगों का ये मसला इस कदर बढ़ जाता है कि अगर वो पानी भी पी ले तो उसकी वजह से भी तेजाबियत हो जाती है। लेकिन कुदरत ने बेकिंग सोडा में ऐसी सलाहियत रखी है कि अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो मादे की तेजाबियत का मसला खत्म हो जाता है। हमारे मादे में तेजाबियत उस वक्त पैदा होती है जब मादे में मौजूद तेजाबियत की मकदार गजाई नालियों तक हो जाए, जिसकी वजह से सीने की जलन महसूस होने लगती है। ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज्यादा मसाले वाला मसाल चखनाई और तेजाबियत खाना खाएं। इसके अलावा कुछ दवात की वजह से भी मादे में तेजाबियत हो जाए। खाने के बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले और उसे एक गिलास पानी में हल करके पी लें। वजह से आपके मादे में मौजूद तेजाबियत कम हो जाती है। आप इस तरह 7 गिलास दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इससे ज्यादा हरगिज़ इस्तेमाल न करें। कुछ माहिरों की राय है कि खाने के बाद कुछ मकदार में सौंफ चबाना मादे में तेजाबियत की रोकथाम में मदद करता है। सौंफ की चाय गजाई नाली को सेहतमंद रखती है, जबकि ये मशरूम बदहजमी और पेट फूलने के खिलाफ भी फायदेमंद। मसाला मादे की तेजाबियत के खिलाफ काम करता है और मादे की सेहत हाजमे और गुजा को जज़ब करने में मदद कर देता है। मादे में तेजाबियत को दूर करने के लिए दालचीनी की चाय बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। लोग कुदरती तौर पर गजाई नाली में गैस को पैदा होने से रोकते हैं। डॉक्टर लोगों को फिक्र कर खाने में मादे में तेजाबियत का इलाज करता है। जीरा भी मादे में तेजाबियत को मामूल पर रखने में मददगार मसाला है, जो कि हाजमे में मदद देने के साथ पेट के दर्द को भी कम करता है। एक चाय का चम्मच जीरा एक कप उबलते हुए पानी में डालकर हर खाने के बाद खाना आदत बना लें। अदरक की मकदार सभी फायदे हैं, ये हाजमे के लिए बेहतरीन और बहुत ही परफेक्ट है। मादे की तेजाबियत कम करने के लिए टुकड़ा अदरक उबाले या कुछ मकदार में अदरक उबलते हुए पानी कप में डालें और पी लें। केले में ऐसे अजाब होते हैं जो तेजाबियत को फूलने से रोकने में मादे की तेजाबियत से निजात के लिए इंतहाई आसान टोटका है। यानी रोजाना सिर्फ एक केला खाना भी तेजाबियत से होने वाली तकलीफ को रोकथाम करता है। जब नारियल का पानी पिया जाता है तो तेजाबियत सत्या में बदल जाता है।